हेलो स्टूडेंट, आज की इस नई वीडियो में हम बीएससी सेकंड ईयर का फिजिक्स सेकंड पेपर के कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बार एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। और आपको इस वीडियो से एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको एग्जाम में जरूर दिखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के इन्वेस्ट किए। तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स सेकंड पेपर जिसका टॉपिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व, तो आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स सेकंड पेपर का कुछ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन देखेंगे यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पर लगातार ऐसी वीडियोज आती रहती हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न है परंतु उनके रासायनिक गुण समान हैं, वो तत्व हैं। ऑप्शन ए संभारिक, संभारिक को इंग्लिश में कहते हैं आइसोबार्स। ऑप्शन बी है सम न्यूट्रॉनिक, इसको हिंदी में कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोन। ऑप्शन सी है सम स्थानिक, इसको इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोप्स। ऑप्शन डी है समावयव, इसको कहते हैं आइसोमर्स। तो क्वेश्चन में पूछा गया है यानी किसी तत्व यानी कोई तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हैं और उनके जो रासायनिक गुण है वो समान है, तो वो क्या कहलाता है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है तो सम स्थानिक का जो परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं और उनके रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु उनका जो परमाणु भार है वो भिन्न भिन्न होता है, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक में क्या होता है, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं या रासायनिक गुण समान होते हैं और उनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो भिन्न भिन्न होता है, तो उसको हम समस्थानिक कहते हैं या आइसोटोप्स कहते हैं। तो ऐसे दो तत्व जिनका रासायनिक गुण समान हो या परमाणु क्रमांक बराबर हो लेकिन उन दोनों तत्वों का परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है तो उसे समस्थानिक कहते हैं। और समभारिक में क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। सम न्यूट्रॉनिक में कोई दो तत्व है उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है तो वहाँ पर सम न्यूट्रॉनिक होता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है समभारिक तो आप भी इसको भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, सम न्यूट्रॉनिक ये भी बहुत ईजी से कर सकते हैं। और इसका जो ऑप्शन सी है समस्थानिक तो आप जानते ही, यानी समस्थानिक का परमाणु क्रमांक बराबर होता है या उनके रासायनिक गुण समान होते हैं और उनका जो परमाणु द्रव्यमान है वो अलग अलग होता है। यानी कोई भी दो तत्व आप ले लीजिए, जैसे आपके अगर एग्जांपल भी देता है तो आप दो तत्व रहेगा तो आपको उसमें चेक करना है कि परमाणु द्रव्यमान किसका बराबर है और किसका बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सब जान चुके होंगे कि समभारिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, सम स्थानिक क्या होता है, कि बहुत छोटे छोटे डिफिनेशन हैं, बहुत ही ईजी से आप इन डिफिनेशन को पढ़े होंगे क्लास 11 ट्वेल्थ में या फिर बीएससी फर्स्ट ईयर में, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू है, एक इलेक्ट्रॉन व एक हाइड्रोजन आयन के विशिष्ट आवेशों ई अपान एम का अनुपात है। ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 1840:1, ऑप्शन सी है 1:1840, ऑप्शन डी है 2:1। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है ई अपान एम, यहाँ पे जो ई है वो इलेक्ट्रॉनिक आवेश है और जो एम है वो द्रव्यमान है। तो पहले हम इलेक्ट्रॉन के केस में लेंगे, इलेक्ट्रॉन के जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है और मास जो होता है वो 9.1 × 10⁻³³ किलोग्राम होता है। तो वैसे ही आप हाइड्रोजन के केस में ई अपान एम की वैल्यू रख कर इसका जो रेशियो निकालेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी होगा, यानी 1:840:1 के रेशियो के बराबर आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन के जो विशिष्ट आवेशों ई अपान एम का जो अनुपात होगा वो 1:840:1 के रेशियो में आएगा। तो आप इसको इसी में यानी ई अपान एम में आपको इलेक्ट्रॉन के लिए मालूम है आवेश क्या होता है और एम जो है वो द्रव्यमान है, तो इलेक्ट्रॉन केस में आप रख लीजिएगा और हाइड्रोजन केस में रख लीजिएगा और इससे फिर आप डिवाइड कर इसका अनुपात निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। वीडियो काफ़ी लंबी रहती है इसलिए इस वीडियो में हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस हम ऑप्शन देखेंगे यानी कौन सा ऑप्शन सही है और कैसे सही है, कोई अगर कहीं हिंट देना पड़े तो हम हिंट दे देंगे। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थ्री है, एक एक्स किरण नली में लक्ष्य से टकराने से पूर्व इलेक्ट्रॉन वी वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं, निम्न में वी के निम्नलिखित मानों में से किसके लिए हम अधिकतम तरंग दैर्ध्य की एक्स किरण देखेंगे। ऑप्शन ए है 10 kV, ऑप्शन बी है 20 kV, ऑप्शन सी है 30 kV, ऑप्शन डी है 40 kV। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 10 kV। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनका जो ऑप्शन है ये जरूर याद रखिएगा एग्जाम टाइम्स में, अगर क्वेश्चन सेम आता है तो आप बहुत ही क्वेश्चन बिना क्वेश्चन पढ़े भी आप आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन ए केवल एक एकल तरंग दैर्ध्य है, ऑप्शन बी है
जीरो से इन्फिनिटी तक होती है, ऑप्शन सी है इन्फिनिटी से जीरो तक है, ऑप्शन डी न्यूनतम से निश्चित सीमा तक। तो एक्स किरणों की जो तरंग दैर्ध्य है वो न्यूनतम से निश्चित सीमा तक है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी जो एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य है वो जीरो से इन्फिनिटी नहीं होती है, न्यूनतम से निश्चित सीमा तक होती है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अधिक वेग के इलेक्ट्रॉन किसी लक्ष्य से टकराते हैं तो ऑप्शन ए केवल ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी केवल संगत एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं, ऑप्शन सी है केवल सतत तथा अभिलाक्षणिक एक्स किरणें उत्सर्जित होती हैं, ऑप्शन डी ऊष्मा उत्पन्न होती हैं तथा साथ साथ सतत एवं अभिलाक्षणिक एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है और साथ साथ में सतत एवं अभिलाक्षणिक एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हाइड्रोजन सदस्य परमाणु के द्वारा उत्सर्जित के अल्फा रेखा की अभिलाक्षणिक एक्स किरण की तरंग दैर्ध्य 0.32 एंगस्ट्रॉम है, समान तत्व से उत्सर्जित के बीटा रेखा की तरंग दैर्ध्य है ऑप्शन ए 0.18 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है 0.48 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी है 0.27 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी है 0.38 एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा 0.27 एंगस्ट्रॉम। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ ऑप्शन इसमें देखना है नहीं कौन सा करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं सेम क्वेश्चन, तो आप बहुत ही आसानी से ऑप्शन टिक कर सकते हैं आप। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक एक्स किरण नली 50 किलो वोल्ट पर कार्य करती है, उत्पन्न न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है ऑप्शन ए 0.5 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी है 0.75 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी है 0.25 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी है 1 एंगस्ट्रॉम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.25 एंगस्ट्रॉम होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य निकालेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी आएगा। अगला क्वेश्चन है, जब जालक नीतांक लैटिस कांस्टेंट डी तथा पृष्ठ सर्पी कोण थीटा के एक क्रिस्टल पर एक्स किरणें आपतित होती हैं तब निम्नलिखित समीकरणों में से कौन सी एक ब्रैग के सूत्र के अनुसार एनवी कोटि का विवर्तन उच्चिष्ट प्राप्त प्रदान करती है। इसका जो ब्रैग्स लॉ है वो टू डी साइन थीटा इक्वल टू होता है एन लैम्डा। तो इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एक्स किरण की अधिकतम आवृत्ति न्यू तथा नली पर आरोपित विभवांतर इस प्रकार संबंधित है, यानी हमको बताना क्वेश्चन में एक्स किरण की अधिकतम आवृत्ति न्यू तथा नली पर आरोपित विभवांतर पन्नी कौन सा रिलेशन रखता है, ये हमको बताना है क्वेश्चन में। तो जो आवृत्ति होती है एक्स किरण की अधिकतम आवृत्ति न्यू वो प्रोपोर्शनल होती है आरोपित विभवांतर के। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य स्वतंत्र है निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन ए द्रव्यमान से, ऑप्शन बी वेग से, ऑप्शन सी संवेग से, ऑप्शन डी आवेश से। जो द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य होती है जिसे हम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं या डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं, उसका जो फार्मूला होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का लैम्डा इक्वल टू होता है एच अपॉन पी। यहाँ पे जो पी है वो संवेग है या मोमेंटम है, तो संवेग को हम लिखते हैं द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी या वेग। तो ऑप्शन इसे कह रहा है द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य है जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा वो स्वतंत्र है, मतलब निर्भर नहीं करता है। तो किस पर नहीं निर्भर करता है, तो ये एच प्लैंक कांस्टेंट पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वेग पर निर्भर करता है और संवेग पर निर्भर करता है। इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है इसमें, द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य स्वतंत्र है मतलब निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है द्रव्यमान से, तो द्रव्यमान से निर्भर करता है क्योंकि फार्मूला में द्रव्यमान है, ऑप्शन बी है वेग से, वेग भी फार्मूला में है तो वेग पर भी डिपेंड करता है, ऑप्शन सी है संवेग से, संवेग भी फार्मूला में है, संवेग से यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य। तो इसका जो ऑप्शन डी है आवेश, यानी फार्मूला में कहीं भी आवेश नहीं है, चार्ज नहीं है, इसलिए यह चार्ज पर निर्भर नहीं करता है या चार्ज से स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र मतलब निर्भर नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन के साथ संबंध डी ब्रोगली तरंगों का संचरण नीतांक है, ऑप्शन ए इसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन बी है इसके संवेग के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन सी है इसकी ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन डी है इसकी ऊर्जा के विद्युतानुपाती। तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ संबंध डी ब्रोगली तरंगों का संचरण नीतांक उसके संवेग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर लगातार ऐसी ही वीडियोज आती रहती हैं। तो इसके आगे के जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको हम बहुत ही जल्द डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।